अरवी के पत्ते का पकौड़ा बता रही हूँ। इसमें जो जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, देखिए पत्ता ले लेंगे इस तरह से, और उल्टा ये सीधा है लेकिन उल्टा से बनता है पकौड़ा। सबसे पहले हम राइस का को हम 3 से 4 चम्मच पीस लेंगे, चाहे सूखा राइस फ्लावर है तो वो भी चलेगा। 3 से 4 चम्मच राइस लिए हैं, उसमें नमक लेंगे स्वाद अनुसार, क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा रहता है इसका राइस फ्लावर का। फिर उसमें 3 से 4 चम्मच हम बेसन डालेंगे। फिर हम 1/2 टीस्पून इसमें हल्दी डालेंगे, चिली पाउडर 1/2 टीस्पून डालेंगे, 1 से 2 चम्मच भर के हरी मिर्च की चटनी रहेगा, थोड़ा तीखा ही ये बनता है। फिर इसमें थोड़ा सा 1/2 टीस्पून गरम मसाला, धनिया पाउडर चाहे डाल दें, चाहे आमचूर पाउडर डालें या नींबू का रस। मैं यहाँ 1/2 टीस्पून नींबू का रस डाल दें, और इसको इसको चीला की तरह फेटेंगे। चीला जितना जिस इसमें डेंस रहता है उतना ही डेंस हम इसको फेटेंगे। हम इसमें 1/2 टीस्पून कोई भी अचार का मसाला डालेंगे, आम का हो तो आम का, नहीं तो भरवा मिर्चा का हो उसका भी डालें, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। हमारा बैटर इतना थिक होना चाहिए। अब हम पत्ते पे इस तरह से फैला देंगे, हल्का पतला ही कोटिंग रखिएगा। इस तरह से रख के पूरा चारों ओर से हम इसको स्प्रेड कर देंगे। पहला पत्ता इस तरह से रखे थे, दूसरा पत्ता हम उल्टा रखेंगे मूस का, इस तरह से हम फैला लेंगे। इसमें भी सेम बैटर फैलाएंगे अच्छे से, जैसे हम उंगली की मदद से पूरा पत्ते पे स्प्रेड कर लेंगे हल्का हल्का। जैसे हम 3 से 4 पत्ते का लेयर बनाएंगे, 4 पत्ते का कम से कम लेयर बनाएंगे हम। 4 पत्ते का लेयर लग जाए तब इस तरह से कॉर्नर हम फोल्ड करेंगे, ऐसे पकड़ के, और फिर इसमें भी पूरा लगा देंगे बैटर को इस तरह से। फिर हम उंगलियों की मदद से इसको अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे, बहुत टेस्टी होता है खाने में। इस तरह से मुंह के तरफ से भी फोल्ड कर देंगे, और इस पर भी हल्का हल्का अब पेस्ट को हल्का लगाएंगे क्योंकि ये सबसे आउटर लेयर है। फिर इस तरह से दूसरे साइड को हम फोल्ड करेंगे, और हल्का हल्का इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे हम। अब लेयर नहीं, बैटर नहीं लगाना है, इस तरह से हम फोल्ड करेंगे, लेंगे हाथ में और इसको धागे से बांध देंगे सब ओर से। रोल को हम धागे से बांध लेंगे, ये खुलता नहीं है, हल्का ही बांधिएगा, ज़्यादा टाइट से नहीं। और फिर हम इडली वाले स्टैंड में पानी डाल के स्टीमर स्टीम करना है हमें। आपके पास ये नहीं है तो कोई भी पतीली भी कोई भी छन्नी रख के स्टीम करिए, 5 मिनट के लिए स्टीम करना रहता है। इसको इस तरह से रख देंगे और स्टीम करेंगे, इस तरह से हम ढक के स्टीम करेंगे, इस तरह से हम बॉईल कर लेंगे, स्टीम कर लेंगे। और फिर जब ठंडा हो जाए तब धागा आराम से निकल जाता है। ठंडा होने पे ही धागा निकालिएगा और काटिएगा, नहीं तो फैल जाएगा। मैं काट के दिखा रही हूँ, अभी मेरा गर्म है, जब आपका ठंडा हो तभी काटिएगा। इस तरह से पतला पतला ठंडा हो जाएगा तो एकदम आराम से कट जाता है, गर्म में थोड़ा सा दिक्कत होता है, फटने का भी डर रहता है। ठंडा हो तभी काटिएगा, गर्म कर लेंगे। और फिर या तो आप शैलो फ्राई करिए या तो डीप फ्राई कीजिए, एक एक करके डालिएगा। जब हमारा इतना फ्राई हो जाए तब हम धीरे धीरे करके एक एक करके निकाल लेंगे। इस तरह से हमारा टेस्टी पतौड़ा बनके तैयार है। अगर मेरा ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।